हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो मैं पूजा गुप्ता आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने इस नए व्लॉग में। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 5 और डॉक्टर साहब निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। और जैसा कि कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम लोग इमरजेंसी में लखनऊ आए हैं, जिस बिकॉज ऑफ कि हम लोग को कोलकाता जाना है। और इमरजेंसी क्या है उसे जानने के लिए आप पूरे व्लॉग को देखिएगा और प्रे करिएगा सबके लिए। और हम लोग की जो फ़्लाइट है वो 9:50 पे है, तो हम लोग 7 बजे तक हर हाल में घर से निकल जाएंगे। और अभी तो सुबह के 5 हो रहे हैं, तो हम जो है अभी घर के सारे काम समेटेंगे उसके बाद, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ अकेले रहेंगे और उनकी देखभाल करने के लिए अभी कोई है नहीं। ऐसे तो उन्होंने बोला है कि मैं कर लूँगा, आप आराम से जाओ, जो भी काम है आप समेट के आओ वहाँ का, और आप परेशान मत हो। तो हम सफ़र अगर ऐसा हो जो आपको हर चीज़ पे सपोर्ट करे, तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो आधी तो वहीं सॉल्व हो जाती है। सो आप लोग भी प्रे करिएगा कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ सब अच्छा अच्छा हो। तो आज हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, और मैं बाकी के काम समेट लेती हूँ, तब मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और हम लोग घर से निकल चुके हैं, क्योंकि हम लोग को 7 बजे तक मेट्रो स्टेशन पहुंचना है। और वहां से जो एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह, वहां से 1 घंटे अराउंड 45 मिनट या 1 आवर लग ही जाता है। तो इसलिए हम लोग समय से निकल चुके हैं और चलते हैं एयरपोर्ट। तो ई रिक्शा मिल चुका है हम लोगों को यहाँ से इंदिरा नगर के लिए, और डॉक्टर साहब है नहीं तो ई रिक्शे से ही हमें जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ से हम आगे मेट्रो से आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे मेट्रो दिख तो नहीं रही है, अभी अभी शायद जस्ट गई है, तो 2 मिनट लगते हैं हार्डली। तो जैसे मेट्रो आएगी हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। सो हम लोग जस्ट अभी पहुँचे हैं एयरपोर्ट, अभी अंदर इंटर करेंगे, अभी तो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले हैं। फर्स्ट बोर्डिंग कार्ड। सोचा था कि फ़्लाइट से आऊँगी, बट ऐसे आऊँगी ये नहीं सोचा था। फ़्लाइट पे फर्स्ट टाइम बैठूँगी तो वो अलग एक्सपीरियंस होगा, बट कभी सोचा नहीं था कि इस सिचुएशन में बैठना पड़ेगा। तो ये रहा मेरी लाइफ का। तो फाइनली मेरी फ़्लाइट जिस गेट पर आने वाली है उसके बाहर हम लोग बैठ चुके हैं और अच्छे से बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। सो अब वेट करते हैं और उड़ान भरने के लिए। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं जा रही हूँ कोलकाता, और रीज़न ये है कि जो मेरी बड़ी दीदी हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि कल रात को फ़ोन आया था और सब लोग बहुत ज़्यादा ही डर गए थे, और इवन सब लोग रोने भी लगे थे। तो इस सिचुएशन में बेहतर ये है कि हम लोगों ने जल्दी ही फ़्लाइट कर लिया और कोलकाता हम लोग जा रहे हैं। बाकी चीज़ें वहाँ जाके ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं सिचुएशन। सो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही थी कि आप लोग प्लीज़ प्रे करिएगा मेरी सिस्टर के लिए। और हम और भाई जा रहे हैं क्योंकि घर पे पापा और मम्मी का रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काजल को भी इस कंडीशन में नहीं छोड़ सकते, एंड सेकंड की दादी भी हैं, तो एक लेडीज़ का घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं और भाई जा रहे हैं कोलकाता, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, लेकिन बस आप साथ रहिएगा। से आ चुके हैं, हमें अपनी सीट मिल चुकी है, और टेक ऑफ होने का जो समय है वो है 9:50 पर, और अभी 9:30 बज रहे हैं, तो 30 मिनट में हम टेक ऑफ करेंगे कोलकाता के लिए।
कॉफ़ी नहीं पीता है और यहाँ फ्लाइट में कॉफ़ी पी रहा है। इतना मतलब क्या बता सकते हैं भाई, बौकाल है अपना अपना। इसे कहते हैं उठानी उठानी। मैगी पता है 200 रुपये का था, मैंने पूछा रेट तो उन्होंने बोला 200 रुपये। मैंने कहा मैगी 200 रुपये, मैंने कहा रहने देते हैं, घर पहुँच जाएंगे अभी एक घंटे। तो हम लोग लैंडिंग के लिए तैयार हैं और अब हमारी फ्लाइट लैंड करने जा रही है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं कोलकाता एयरपोर्ट। सो दिस इज अ CCU यानी कि कोलकाता एयरपोर्ट। मैं पूरे 3 साल बाद आई हूँ कोलकाता। मेरी शादी के बाद मैं एक बार भी नहीं आई थी और सोचा था आने के लिए, बट इतनी जल्दी आना पड़ेगा ये नहीं सोचा था। इस समय दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा है, जाऊँ घर जल्दी, दीदी को देखूँ कैसी है। वो आँखों से देखा हुआ ज़्यादा भरोसा रहता है, जब आप आँखों से देख लेते हो ना तो तसल्ली हो जाती है। और इस समय सब मिला के बस यही है कि घर जल्दी पहुँचना है। सो फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे मिल गई है, मीन्स ओला, एसी ओला है। बहुत वेट करना पड़ा, तो जितना जल्दी हम लोगों ने सोचा था कि फ़्लाइट से पहुंचेंगे थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन फिर भी ट्रेन के कंपैरिजन में बहुत समय पे ही हम पहुंच जाएंगे। और अक्सर ये होता है कि जब आप जल्दी में होते हो और कहीं जाना होता है तो वो वैसे ही लेट होता जाता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो अब मैं घर जाकर आपसे मिलूँ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, दीदी के घर के बाहर है अभी। भाई बच्चों के लिए चॉकलेट ले रहा है और चॉकलेट लेने के बाद दीदी के घर की गली जो वो सामने देख रहे हैं हम, उसी गली के अंदर हम लोग को जाना है। दबा मुस्कुराओ, क्या ऑलिस? हाँ जल्दी से रिकवर होना है ना। सो गाइस अभी हो रहे हैं रात के 1:30 बज रहे हैं और फ्लाइट से आने के बाद घर पे इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोग को कोई अपडेट दूँ, क्योंकि दीदी की तबीयत, दीदी आज ही सुबह डिस्चार्ज होके आई थी और फिर से उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इसी वजह से उसे फिर से एडमिट करना पड़ा। तो हम लोग चले गए थे और अभी रात के इस करीब अभी तो 1 बज रहा है और बहुत टाइम लग गया हम लोग को आने में। और अच्छा भी नहीं लग रहा है कि क्या आप ब्लॉग करें, बट ये है कि बस आप हमारी फैमिली हो तो आपसे शेयर करना अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी जो गुड विशेज होती हैं उसका बहुत 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 ही ज़्यादा एक अच्छा प्रभाव कह सकते पड़ता है। तो मैं भी यही चाहूँगी कि आप मेरी दीदी के लिए प्रे करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बाबू की भी तबीयत ख़राब है और एक माँ और एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता है एक दूसरे से दूर रहना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना माँ के सबसे क्लोज होते हैं। और बाबू का भी इस समय यही हाल हुआ है। हम लोग जब डॉक्टर खाना जा रहे थे बाबू मेरा बहुत रो रहा था, अभी तो खैर उसको किसी तरीके से सुलाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। दीदी से मिलने को नहीं मिला एडमिट करने के बाद, बोला कि रात को 12 बजे डॉक्टर आएगा, और वेट किया हम लोगों ने, डॉक्टर नहीं आया, तो डॉक्टर सुबह आएगा दीदी को देखने। मतलब जो भी है, जो भी दवा वगैरह शुरू है होनी है वो तो हो चुकी है, लेकिन जो मेन जांच है वो कल सुबह होगी। तो मैंने बहुत मतलब नहीं ऐसा वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, बट मैं थोड़ा दीदी से आपको ज़रूर मिलवाऊँगी। और बस आप लोग प्रे करिएगा, इतना ही मैं आप लोगों से प्रार्थना करूँगी। तो मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पिटियो अगर, तब तक